ये यमुना जी के फेस का नाम है वासुदेव घाट के नाम। चार पांच से लोग आ जाते चार पांच से लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम तुम्हें लेके आए एक ऐसी जगह पर जहाँ होती है यमुना जी की आरती। वैसे तो आपने देखी होगी बनारस में, हरिद्वार में और ऋषिकेश में अलग अलग गंगा जी की आरती, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ पर एकदम प्योर वैसी ही आरती होती है, लेकिन यमुना जी की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी ये जो प्लेस है, अभी काम चल रहा है यहाँ पे डीडे की तरफ से, तो मैं दिखा रहा हूँ। ये जगह दिल्ली में है। वैसे ये एक्चुअल अभी घाट की एंट्री एक तरीके से, कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सामने देखिए वहाँ उधर घंटा भी टंगा हुआ है और इधर बोर्ड लगा हुआ है। ये एक्चुअली में वासुदेव घाट है जो कि अभी मार्च में ही ओपन हुआ है और जो स्पेशली यमुना जी की आरती के लिए बनाया गया है। उधर की तरफ आरती होती है, अभी मैं ले चलता हूँ आपको। तो अभी हम घाट पर पहुँच चुके हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं पीछे अभी ये यहाँ पर काम चल रहा है जिससे कि ये जो यमुना जी है वो यहाँ तक आ जाएंगी। और उधर की तरफ मैं दिखाता हूँ कि बाकी जो फैमिलीज वगैरह हैं, लोग अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स कपल सब लोग आए हुए हैं। तो भाई अभी दीप वगैरह सब तैयार हो गए हैं और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। सूर्योदय होते ही टाइम जब हो जाएगा आरती का, होपफुली जल्दी आरती शुरू होती होगी। ये यमुना जी के फेस को इमेजिन करते हुए यहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर फेस आप देख पा रहे हो और लोग यहाँ पर अपने फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं एज मेमोराइजेशन। और उधर जैसे कि मैंने आपको बताया कि उधर तैयारी चल ही रही है। अभी इस जगह के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इस जगह का नाम है वासुदेव घाट जो कि बना हुआ है कश्मीरी गेट, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है आपका कश्मीरी गेट नंबर 6 पर जाएगा। और आरती का समय ज्यादातर 7 बजे रहता है सूर्योदय होने के बाद। संडे को और ट्यूजडे को आपको यहाँ आना होता है आरती में पार्टिसिपेट करने के लिए। की तरफ से अभी यहाँ पर काम प्रोसेस में चल रहा है और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मार्च 2024 में इसका इनोवेशन हुआ है और उद्घाटन भी इसी उसी टाइम पे हुआ है यहाँ पे। मैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस जगह का नाम वासुदेव घाट है जो कि इनोवेट हुआ था ट्यूजडे को 12 मार्च 2024 को। काफी सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन करी हुई है इन लोगों ने एंट्री पे ही, और साथ में इस टाइप के तुम्बक बनाए हुए हैं छोटे छोटे से हर जगह पर लोगों के बैठने के लिए। उधर भी आरती के बिल्कुल सामने एक बना हुआ है एम्बुलेंस खड़ी हुई, तो हाथी बने हुए सुंदर से। और यहाँ पे एक बना हुआ है जिसमें एक बड़ा सा घंटा टका रखा है, एक अपनी इच्छा से जिसे बजाना है वो बजाए। अच्छा लगता है ऐसा फोटो करवाने के लिए तो लोग आते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हो उधर पुजारी लोग भी आ चुके हैं, ये एक अच्छे वाले अंकल पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो 4 चौकी लगी हुई है यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे 7 बजते जा रहे हैं, क्राउड इकट्ठा होता जा रहा है और आरती का समय होने लगा है, तो सब लोग तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट आरती वारती शुरू करने वाले हैं। फिर यहाँ सब क्या बात है, क्या प्यारा दृश्य है भाई साहब, वाह वाह। हाँ भाई, तो मैं तुमको ये भी बताना चाह रहा था कि तुम यहाँ पर आ सकते हो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और अपनी सेटिंग वेटिंग को लेकर, अपने दोस्त यार फैमिली जो मर्जी जिसको लेकर आओ यार, अपन जगह है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और चार्जेस कुछ नहीं है, फ्री एंट्री है ब्रो, फ्री एंट्री, बिल्कुल फ्री एंट्री। तो भाई यहाँ पे आरती कब कब होती है भाई? संडे मंगलवार होती है। अरे संडे को मंगलवार को, टाइम क्या है? 7:15। तो पैसे वैसे थोड़ी लगते होंगे देखने के? नहीं, पैसे बाकी। अब यहाँ काम चल रहा है? हाँ, काम चल रहा है, बन जाएगा, चालू। भीड़ भाड़ कितनी आ जाती है? ठीक ठाक आ जाती है? 4-5 से लोग आ जाते हैं। 4-5 हमें तो जानकारी नहीं। इसका नाम है वासुदेव घाट के नाम। तो वासुदेव घाट नाम है इस जगह का। कहाँ पर है जगह? ये कश्मीर गेट के मेट्रो स्टेशन है या कोई आस पास? बगल में कश्मीर गेट है। इधर कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर। चलो, मॉनेस्ट्री मार्केट है सामने। अच्छा, इधर मार्केट भी है। तो भाई थैंक यू भाई, तो आपकी ड्यूटी यहीं पे चल रही है? हाँ, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है भाई। भाई ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी भाई। इस घाट की सबसे खूबसूरत बात पता मुझे क्या लगी कि यहाँ पे हर 15-20 मिनट में ना एक बर्ड्स का ग्रुप जाता है बार बार। देखो जैसे वीडियो में मैं अभी दिखाया मैंने, ऐसे एक बार नहीं, ऐसा मतलब बार बार जाता रहता है जब तक ये आरती के टाइम पे ही। ऐसा लोग बता रहे हैं कि आरती के टाइम पे बार बार आता है। अभी और भी बहुत सारे ग्रुप आए हैं, बहुत सारे ग्रुप जा चुके हैं ऑलरेडी। आरती के पुजारी लोग बैठ चुके हैं। देव वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना महारानी की जय, गंगा तरंग रमणी गज गा कलापम। Oh, my God.
मनो तुमे मनोमल कलंद नंदनी सदा मुरिय मुना जय जय हे महिला दुरम धनि रंग वर्तनि हरिलुदे जय जय हे महिमाधुरमर्तनी धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगे मैया की यमुना महारानी की हनुमान जी महाराज की धर्म सम्राट समग्र पात्र जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की नमस्कार वजे वजे हर 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 महादेव। तो भाई सभी लोग आरती लेने लगे हैं, आरती ले लेते हैं अपने लिए भी और आपके लिए भी, हमारे व्यूवर्स को भी दे दो हमारे लिए भी। तो भाई प्रसाद प्रसाद लेके आरती वारती ले ली तुम्हारे भाई ने अपने लिए तुम्हारे लिए, खुश रहो बस, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना और प्यार बनाए रखो हमारे ऊपर अपना, यमुना जी आपके ऊपर बनाए रखेंगी। तो भाई आरती के बाद हर संडे को यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए भी जुगाड़ बना रखा है। तो भाई समोसा चटनी, आरती के बाद हर संडे को आपको समोसा चटनी और पानी आपको पीने के लिए आरती के बाद मिलेगा। यहाँ पर पास में पहले प्रसाद लें, उसके बाद यहाँ पर अपना जो समोसा चटनी है वो लें और पूरा कृपया पूरे दान में डालें आप सभी। भाई अभी अपन लोगों ने समोसा ले लिया है, ये रहा समोसा, और समोसा खा के पीछे यमुना माता की जय हो, हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम पे आशीर्वाद आप लोग बनाए रखना। जय हो, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, बाय गाइस, सी यू सून, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छी लगी।